माँ, मेरा फोन देखा क्या आपने? चलो मैं करता हूँ। ले। आराम से इतनी हड़बड़ा क्यों रही है? फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट का रिजल्ट है। बेचैन हो गई होगी बेचारी। और फिर हमारी तरह सरकारी अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत जो की है हमारी बिटिया ने। एक बार बड़ी अफसरनी बन जा, उसके बाद ना शादी की फिक्र और ना ही दहेज की, और फिर आपकी तरह जिंदगी भर पेंशन भी मिलेगी, है ना? अब इन सब चीजों के लिए थोड़ा हम सरकारी अफसर बन रहे हैं, हमारा अच्छा भविष्य बनेगा। थोड़ा जल्दी चलेंगे प्लीज, आगे से राइट ले लीजिएगा। सर, ये चारों बॉडी यहीं आसपास ही मिली हैं। जनाब, इन चारों बॉडीज को देख के लगता है कि इनकी मौत एक ही टाइम के आसपास हुई है, और मर्डर जैसा भी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, और देखने में सब एकदम नेचुरली। नकवी साहब, ये डेथ नेचुरल है कि अननेचुरल है, ये तो आगे की तहकीकात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम चलेगा। मतलब सर, ये किसी ने करवाया है? कविता जी, कई बार ऐसे केसेस में गुनहगार बहुत शातिर होता है, वो गुनाह को इस तरह अंजाम देता है कि सबको लगे कि नेचुरल डेथ है। नकवी साहब, जनाब, आप डॉक्टर अनुष्का को फोन करके बोलिए कि फोरेंसिक रिपोर्ट थोड़ा जल्दी दे। जी। तो कविता जी। जी सर। आप मर्डर स्पॉट पे जाके सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, या फिर वहाँ आसपास कोई भी जानकारी मिले हमें बताइए। ओके सर, जल्दी। बेटा, तुम्हारे यहाँ भी नहीं है तो आखिरकार प्रगति गई कहाँ? तुम्हें कुछ पता है क्या? सुनिए, मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। 6 बजे का बोल के गई थी, 8:30 बज गए हैं, कहाँ रह गई प्रगति? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। चलो राम सदन चलकर देखते हैं। लेकिन वहाँ क्यों, वहाँ क्या करने जाएगी? वो अक्सर अपने भविष्य के नए फैसले लेने के लिए और नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करने वहीं तो जाती है ना। हो सकता है वो वहीं गई हो। प्रगति, आपकी बेटी को परफ्यूम का शौक था क्या? कविता जी। जी सर। वो सुसाइड लेटर जो मिला था, दीजिए। ये आपकी बेटी की लिखावट है? ये नहीं हो सकता सर, हमारी बेटी आज तक किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई सर। आत्महत्या का तो सवाल। तेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। देखिए, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। नकवी साहब, चार लाशें मिली हैं, अभी तक किसी के परिवार वालों की खबर नहीं है। एक दिन गुजर चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? जनाब, परिवार वालों से तो बात हो गई है और पोस्टमार्टम भी हो गया है, लेकिन डॉक्टर अनुष्का से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा है कि माइक्रो डिटेलिंग की वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। नकवी साहब, ये केस इतना आसान नहीं है, जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा हमें। सर, वो प्रगति के पापा उसके बॉडी क्लेम करने आए। सर, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, पुट्टा जांच करवाई, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं सर, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब, कभी नहीं कर सकती। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए, अभी कार्रवाई जारी है, जैसे ही कुछ मालूम चलेगा हम आपको बताएंगे। सर, इन चारों में किसी की मौत ऑर्गन फेल होने की वजह से तो किसी की बीपी लो होने की वजह से हुई है, पर अगर प्रगति के केस के बारे में बात करें तो कोई फांसी लगाकर अगर आत्महत्या करता है तो झटके की वजह से उसकी जीभ बाहर आ जाती है। मतलब हम समझे नहीं। सर, जीभ एकदम चिपक गई थी, जैसे उसे गला घोंट कर मारा गया हो। प्रगति के गले पे रस्सी का निशान गहरा होना चाहिए था, राइट? बिल्कुल। और एक बात, अगर इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की होती तो खिंचाव की वजह से गर्दन टेढ़ी हो जाती। प्रगति के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। सर, मैं बॉडी को एक बार फिर से स्कैन कर लेती हूँ, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट बनाती हूँ। थोड़ा जल्दी डॉक्टर जी। जनाब, इन तीन आईडी कार्ड्स का तो अंदाजा भी नहीं था। तीन आईडी कार्ड मिले, इसका मतलब प्रगति ने एक दिन में तीन तीन एग्जाम दिए होंगे। जनाब, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, आखिर ये तीन आईडी कार्ड का माजरा है क्या? नकवी साहब, कुछ और ही खेल है ये। डॉक्टर अनुष्का को बोलिए ना, जरा फोरेंसिक रिपोर्ट जल्दी भेजिए। मैंने उनको यहीं बुलाया है, बस आती होंगी। हेलो सर। हाय डॉक्टर। सर, ये लीजिए प्रगति की फोरेंसिक रिपोर्ट। अमर जी, आपकी इंट्यूशन एकदम ठीक थी, आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई। क्या? किसी ने क्यों मारा मेरी बेटी को? अमर जी, मेरी बात सुनिए, अपने जज्बातों पे काबू रखिए, तहकीकात हमारी जारी है, जल्द से जल्द कोई हकीकत सामने आएगी। अमर जी, आप हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? दरअसल जहां आपकी बेटी का शव मिला था वो मर्डर स्पॉट, वहाँ पे छानबीन के लिए हम दोबारा गए थे और वहाँ हमें प्रगति नाम से तीन परीक्षा प्रवेश पत्र मिले। इसका मतलब उसने एक ही दिन में तीन तीन एग्जाम दिए थे। इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास? तीन? नहीं। आप एक काम करें, प्रगति से जुड़े जितने भी लोग हैं, उसके रिश्तेदार, दोस्त यार, सबकी डिटेल चाहिए हमें। जी। एक दरख्वास्त और है आप लोगों से, आरटीआई में एक एप्लीकेशन भेज दीजिए, प्रगति की एग्जामिनेशन शीट देखनी है। मगर हम देखिए, ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसके पीछे जो कोई भी है वो इस वजह से चौकन ना हो जाए। प्रगति आपकी दोस्त थी? जी हाँ सर, पर वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। सर, प्रगति कभी फेल नहीं हो सकती, पढ़ने में बहुत तेज थी, वो मैडम सबकी हेल्प करती थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, जय सर की फेवरेट स्टूडेंट थी। जय सर, वो उम्मीद क्लासेस वाले सर? जी मैम। अच्छा, ये बताओ, कोई खास दोस्त या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इन सब चीज़ों में पढ़ती ही नहीं थी। उसका कोई दुश्मन नहीं था सर? प्रसाद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी, कोई उन्हें ज्यादा पगार में दूसरी नौकरी दिलाने वाला था। कौन? वो तो पता नहीं, लेकिन सारी बातें पक्की हो चुकी थी। यही जगह थी जहाँ उनकी नौकरी लगी? क्या इसी इश्तहार को देखकर प्रतिमेश जॉब के लिए गए थे? हाँ सर। करण बहुत खुश थे, बच्चों के लिए खिलौने भी लाए थे। हाँ, यही है वो कंपनी जहाँ वो जाने वाले थे। हाँ, शांतिलाल जी यही इंटरव्यू देने गए थे।
हेलो सर, आरटीआई से जवाब आया, उन्होंने बुलाया आंसर शीट देखने के लिए। थैंक यू अमर जी, आते हैं। क्या बात है, इतने सारे लोग एक विद्यार्थी का पेपर देखने के लिए? जनाब आप दिखाएंगे पेपर? जेब से जब तक कुछ नोट बाहर नहीं आएंगे पेपर तो ऐसे नहीं दिखलाए जाएंगे। ये लीजिए। जनाब पेपर में कोई भी हेरा फेरी नहीं है और ना ही मार्क्स में। सर कहीं ऐसा तो नहीं प्रगति उस दिन किसी बात से मेंटली डिस्टर्ब हो जिसकी वजह से उसका एग्जाम खराब हो गया? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो हमसे जरूर कहती, वो हमसे सब बातें शेयर करती थी। हमें पेपर्स ले जाने होंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे? नकवी साहब जरा पकड़िए। गोमती नगर थाना SHO क्रांति मिश्रा। सर आप तो ले जा सकते हैं ना? जी सर। सर रिश्वत लेना गुनाह है, आज के बाद ऐसा गलत काम मत कीजिएगा। नहीं सर। कविता जी। जी सर। ये प्रगति का सुसाइड नोट और उसके पढ़ाई के नोट दोनों लेके आइए। ओके सर। ये लीजिए सर। देख रहे हैं आप प्रगति का सुसाइड नोट और प्रगति के पढ़ाई के नोट्स, इसमें एक अल्फाबेट देखिए M और ये माँ और यहाँ पे देखिए जी गो और इधर प्रगति, इसका जी और इसका जी एकदम सेम है, दोनों की हैंडराइटिंग मिलती है। और इधर देखिए एग्जामिनेशन शीट में, यहाँ पे M और जी दोनों अलग है, यानी कि एग्जामिनेशन शीट की हैंडराइटिंग प्रगति के नोट्स और उसके सुसाइड नोट से बिल्कुल अलग। जनाब इसका मतलब तो फिर साफ है, प्रगति के पेपर्स की अदला बदली की गई है। बिल्कुल सही नकवी साहब। लेकिन सर सुसाइड नोट और नोटबुक की हैंडराइटिंग मैच कर रही है, इसका मतलब तो आत्महत्या हुई। जरूरी नहीं कविता जी, सुसाइड नोट लिखवाया भी तो जा सकता है। बहरहाल इस वक्त हमारे लिए जरूरी ये है कि हम ये जानें कि उस एग्जाम के दौरान प्रगति के नाम से एग्जाम दिया किसने। एक काम करिए नकवी साहब, उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में जो भी निरीक्षण करता था जिसकी देखरेख में ये सब हुआ जी, उसका नाम और पता ढूंढिए। हाय डॉक्टर पुष्कर। अच्छा जी, थैंक यू सर। ये रही उन चारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। सर ओह माय गॉड, प्रसाद के पेट में जहर पाया गया है। फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसे। क्या जी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। जब उसकी मौत हुई थी उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी लो था और शांतिलाल ने प्रेशर की बहुत दवाइयाँ खा ली थी, इसलिए उसका बीपी लो हो गया था। नतीजा कोमा में जाने के बाद ऑन द स्पॉट ब्रेन डेड हो गया। और एक करंट स्ट्रोक से। मौत के पहले काफी भागा होगा वो, जिसकी वजह से उसका हार्ट बीट तेज हो गया होगा और जब उसकी मौत हुई उसका पल्स रेट कम से कम 220 और प्रेशर अराउंड 250 रहा होगा, जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक आया। क्योंकि बॉडीज देख के लगा था कि इनकी मौत सामान्य हालातों में हुई है, क्योंकि ये रीजन तो बड़े अजीब से हैं। अजीब है नहीं नकवी साहब, अजीब किए गए। और जनाब एक और अजीब इत्तेफाक है, इन चारों को एक साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आए थे और चारों ने एक साथ रिजेक्ट किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है नकवी साहब, इन चार लोगों की मौत एक ही जगह एक ही समय बड़े अजीब तरीके से हुई थी और इन चार लोगों ने ही सरकारी नौकरी को रिजेक्ट किया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है नकवी साहब, इन लोगों की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि मर्डर था। पर सर कौन मारेगा? तो जो कोई भी हो कविता जी, एक बात तो तय है, उसको विज्ञान की पुख्ता जानकारी जरूर होगी।
श्याम सर। जी आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी। ये सब क्या है और क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? आपकी तारीफ। मैं यहाँ का प्रिंसिपल, आप लोग कौन? प्रिंसिपल सर। पुलिस। तो बताइए श्याम जी, फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर के लिए उस दिन जो एग्जाम हो रहे थे उसमें निरीक्षक आप थे? जी, पर वो तो 2-3 महीना पहले की बात है और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। नकवी साहब ऐसे नहीं मानेंगे, निरीक्षक साहब को जरा अपने तरीके से प्रशिक्षण करवाइए। सर मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ, रुक जाइए सर, बताता हूँ। आइए बोलिए। मैंने पैसे लिए थे सर, लेकिन कॉपी बदलने के लिए पैसे नहीं लिए थे सर, एक स्टूडेंट को नकल करने के लिए पैसे लिए थे सर। आप जो कुछ कह रहे सही कह रहे। हाँ सर, शिक्षा की कसम सर। सच्चाई साबित करने के लिए शिक्षा की कसम खाते हो और उसी शिक्षा का सौदा भी करते हो। सुरन का नाम बताइए, कौन था वो? सर जनाब, इस इश्तिहार में जो नंबर दिया गया था फर्जी निकला। और सर जिस अखबार में ये इश्तिहार दिया गया था मैंने उस ऑफिस में भी पूछताछ की है, सर जिसने भी ये इश्तिहार दिया उसकी कोई डिटेल नहीं है। फिर तो ये बात साफ है नकवी साहब, जो 4 लोग वो सरकारी नौकरी करने वाले थे सिर्फ इस इश्तिहार की वजह से उन्होंने वो नौकरी करने से मना कर दी। इसका मतलब तो साफ है जनाब कि एक सोचा समझा जाल बिछाया गया था उन 4ों को मारने के लिए ताकि ये सरकारी नौकरी किसी और को हासिल हो। जनाब वो जो कोई भी है जिसकी वजह से ये सारा खेल रचा गया उसकी जानकारी तो हम निकाल ही लें। पता तो लगाना पड़ेगा नकवी साहब, लेकिन जल्द। जी छोड़ो सर। क्यों भाई, बताओगे सब कुछ या तुम्हारा फिटनेस लेवल और बढ़ाऊं? सब बता दो साहब, छोड़ दो साहब। चलो भाई छोड़ो इसको, इसका स्टेटमेंट लिखो, ये लो। आइए आइए अमित, बैठिए। चाय पानी? नहीं सर। पता चला है पैसे देते हो इम्तिहान में? जी सर मैंने पैसे दिए थे सर फर्स्ट आने के लिए सर, लेकिन मुझे मारिएगा मत सर, प्लीज माफ कर दीजिए। ये बताओ प्रगति को जानते हो? जी जानता हूँ सर। उसका खून क्यों किया? नहीं सर मैंने उसका खून नहीं किया सर, सर मैंने तो सिर्फ अच्छे मार्क्स पाने के लिए कॉपी करने के लिए पैसे दिए थे सर, मैंने उसका खून नहीं किया सर। तुमसे नोट्स मंगवाए थे हमने, लायो? जी मैम। सौ। ये लो इसमें अपना नाम और डिटेल्स हो। ए, कविता जी। जी सर। ठीक है अभी तुम निकलो। जी सर। जनाब सीसीटीवी में हमने चेक किया, प्रगति ने अपने पेपर्स खुद ही लिखे थे, लेकिन जनाब पेपर से पहले और पेपर के बाद में वो अपसेट तो नहीं थी बल्कि खुश नजर आ रही थी। एक और तरीका है नकवी साहब। वो क्या जनाब? एग्जामिनेशन हॉल में प्रगति के साथ वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको एक अलग जगह बुला के पूछताछ करिए। सर बट सारे स्टूडेंट से पूछताछ? जी कविता जी, सारे स्टूडेंट से पूछताछ। ओके सर। आप जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अरे आप हमें सर मत भूलिए, बच्चे आपकी इतनी इज्जत करते हैं, गुरु हैं आप, ज्ञान बांटते हैं, अब आप हमें सर बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्रांति जी क्या बात है, बच्चे काफी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे, वो भी काफी घबराए हुए हैं, मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। सर हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रूटीन इंक्वायरी और इस बात के लिए निश्चिंत रही कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी तहकीकात जारी है, जैसी खत्म होगी यहाँ से चले जाएंगे, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन की जरूरत है आपसे। ठीक है बच्चों,
घबराने कोई बात नहीं है, आप लोग बस कोऑपरेट कीजिए, सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनाब संदीप श्रीवास्तव। नंबर तो काफी अच्छे मिले इस लड़के को, लगता पढ़ाई में बहुत तेज थे। ये संदीप श्रीवास्तव की नोटबुक है ना? जी सर। देखिए नकवी साहब, दोनों की हैंडराइटिंग में कितना फर्क है। ये आंसर शीट भी संदीप श्रीवास्तव और ये नोटबुक भी संदीप श्रीवास्तव, लेकिन दोनों की हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। बुलाइए कविता जी, संदीप श्रीवास्तव को बुलाइए। जी सर। संदीप श्रीवास्तव। सैंडी, पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है लगता है तुम्हारा, काफी अच्छे नंबर आए भाई। तो मिस्टर सैंडी जी, इस पे अपना पूरा डिटेल लिखो, नाम एड्रेस सब कुछ। कविता जी जरा पेन दीजिए। अरे वाह सैंडी साहब, आपकी हैंडराइटिंग आपकी एग्जामिनेशन शीट वाली हैंडराइटिंग से मैच ही नहीं कर रही, बल्कि किसी और ही हैंडराइटिंग से मैच करती है। ये क्या बात कर रहे हैं सर? प्रगति के पेपर्स पे उसका नाम मिटा के तुम्हारा नाम लिखा गया है, और तुम्हारे पेपर्स पे तुम्हारे नाम की बजाय प्रगति का नाम। अब सच सच बता, क्यों खून किया प्रगति का? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? और सर ये कोई तरीका है क्या स्टूडेंट से बात करने का? बैठे सर। सर बता, बताओगे? बता दो। सर मुझे बोला गया था कि बस जितना आता है पेपर पे उतना ही लिखो, और मुझे मेरा नाम और डिटेल्स भरने से मना किया था। सर मेरे पेपर पे किसी और का नाम और किसी और के पेपर पे मेरा नाम लिखा जाने वाला था, लेकिन सर ये नहीं पता मुझे कि किसका नाम लिखा जाने वाला था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने पेपर बदलवाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। किसको दिए थे पैसे? नाम तो नहीं पता। पैसे किसको दिए? प्रताप सिंह। हाँ सर प्रताप सिंह को। नकवी साहब डिटेल लिखी है इससे प्रताप सिंह की। जी जनाब। अखिलेश मिश्रा, पांचवें नंबर के पायदान पे थे आप सरकारी नौकरी के लिए, और आपकी नौकरी लग गई। हाँ जी, मुझे यकीन था कि मेरा नंबर लगेगा, नसीब की बलियारी है। नसीब की बलियारी है या फिर किसी को बलि चढ़ाने की बलियारी है? मतलब ये कि तुमसे पहले जिन चार लोगों का नंबर था उनका खून हुआ है। क्या? दिखावा मत कर, जैसे कुछ पता ना हो। सच में सर मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी। अभी आपने ही तो कहा नसीब की बलिहारी है, और अब आप कह रहे हैं कि विश्वास ही नहीं था कि सरकारी नौकरी लगेगी। लगता ऐसे नहीं बताएगा सर। बोलिए सर। सर मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे सर। कितने पैसे? 10 लाख। 10 लाख? सर मुझे लगा था कि सरकारी नौकरी मिलते मैं सारे पैसे निकाल लूँगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था मुझे कि इसके पीछे इतना खून खराबा हो जाएगा सर। सर सर चार लोगों का मर्डर हुआ है, प्रथम तुम जैसे लोगों से, तुम जैसे भ्रष्ट लोगों से जो सरकारी नौकरी को टारगेट करते, तुम जैसे लोगों के साथ तुम। किसको दिए थे पैसे? प्रताप सिंह को सर।
हेलो साहब, मुझ पर हमला करवाया गया है। वो जान गया है कि पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है, इसलिए वो मुझे भी मरवा देना चाहता था। जैसे उन चार लोगों को मारा बिल्कुल वैसे? चार लोग नहीं साहब, ऐसे अनगिनत केसेस हैं। प्रगति केस भी उसी में शामिल है? प्रगति को मैंने नहीं मारा साहब, इस बारे में कुछ नहीं जानता। पर हाँ, इशारा करने वाला एक ही है। मैं तो एक मोहरा हूं जो ऐसे ग्राहक पकड़ कर लाता था और डीलर से मिलवाता था। हम तो एक उनके इशारे पे काम करते। प्रताप, किसके इशारों पे? और डीलर है कौन? वो सैंडी। बोलो ना सैंडी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। नकवी साहब, ये चार लोगों का मर्डर करने वाला और प्रगति सुसाइड मर्डर करने वाला कोई एक ही शख्स है। इन दोनों केस की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन जनाब, इस सबसे जुड़ी जो सबसे बड़ी और अहम कड़ी है, वो तो मर गया। जनाब प्रताप मरने से पहले सैंडी के बारे में कुछ कहना चाहता। नहीं नकवी साहब, सैंडी एक स्टूडेंट है, हमको नहीं लगता कि वो सब करवाएगा। जनाब भले उसने ना करवाया, लेकिन उसका भाई या फिर उसका कोई रिश्तेदार उससे जुड़ा हुआ ही कोई इंसान है। और जनाब जो पेपर बदलवा सकता है वो इतना शातिर तो होगा ही कि ये हमला भी करवा सके। सर, जिस कार से प्रताप पर हमला हुआ था उसका नंबर मुझे याद है। वेरी गुड कविता जी। नकवी साहब, अगर आपको सैंडी पे शक है तो उसके परिवार, कॉलेज और रिश्तेदार वालों से जानकारी निकालिए। और कविता जी, आप उस गाड़ी वाली का पता करिए, शायद इन दोनों जगहों से हमें कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। सर, ये सैंडी का दोस्त है। सर, फैमिली की इंक्वायरी में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये कह रहा है कि सैंडी के बारे में कोई बात जानता है। क्या जानता है? सर, इसका कहना है कि सैंडी का प्रगति के साथ कोई झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ था? सर, सैंडी ने उसको प्रपोज किया था। हाय प्रगति। अरे सुनो यार, इस पूरे कॉलेज के सबसे स्टाइलिश लड़के हैं जो तुम पे मरते हैं। आई लव यू बेबी। शायद इससे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, आवारा कहीं के। अभी तुमने ना हमारी अवारगी देखी नहीं है, समझी? सैंपल बहुत जल्दी देखोगी। अली जी, इसकी स्टेटमेंट ले लीजिए और भेज दीजिए इसे। यही इसका मतलब, सैंडी के पास वजह थी प्रगति को मारने की और उसने प्रताप के जरिए उसका मर्डर करवाया। यकीन नहीं होता आजकल की नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया, इतनी कम उम्र में मर्डर। अरेस्ट वारंट निकलवाइए इसका कविता जी। ओके सर। सर, वो जो हमें कार का नंबर मिला था, उस नंबर की कार के बारे में ये पूरी डिटेल। जरा देखिए, ये नंबर की गाड़ी आप ही की है? जी सर, थी, काफी समय पहले भेज दी थी। क्या? लेकिन आरटीओ में तो ये गाड़ी अभी भी आप ही के नाम पे है। सर, भेजते समय ट्रांसफर नहीं करवाई थी। ठीक है, फिर इस गाड़ी से जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब आप ही के नाम पे आएंगे। क्या मर्डर? जी हाँ, मर्डर। चार्जशीट दर्ज की जाएगी आपके नाम पे। अब सर, बेचने टाइम पे कच्चा एग्रीमेंट करवाया था, उसकी कॉपी होगी मेरे पास। निकालिए फटाफट। चिंटू यादव। चल।
बताता हूँ। चल बैठ। मैं घोटाले के लिए काम करता हूँ। कौन सा घोटाला? लोगों से पैसा लेकर उन्हें नौकरी दी जाती है और जिन्हें इस घोटाले के बारे में बीच में ही पता चल जाता है उन्हें मार दिया जाता है। हर साल नए नए भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर उनकी नौकरी छुड़वा दी जाती है और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। उनकी जगह पर नए बेरोजगारों को पैसा लेकर नौकरी दी जाती है। उन चारों आदमी और प्रताप को मैं नहीं मारा था। प्रगति का मर्डर भी मैंने ही किया है। किसके कहने पे किया? किसके कहने पर? सैंडी नाम के लड़के ने मुझे प्रगति की सुपारी दी थी। वो प्रताप को अपना अंकल मानता है और प्रताप ये सारा घोटाला चलाता है। सैंडी कहाँ है? हमारी हिरासत में, और इतनी जल्दी छूटेगा भी नहीं। उसे आप परेशान क्यों कर रहे हैं? वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट। आपका नाम? मैं मधुसूदन, उसका भाई। अपने छोटे भाई के कारनामे नहीं जानेंगे? पेपर लीक करवाता है, पेपर बदलवाता है, यहाँ तक कि मर्डर भी करवाता है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मिनिस्टर को फोन करना ही पड़ेगा। देखिए, आपको जिससे बात करानी है कराइए। नकवी साहब लेके आइए जरा। जी। आइए, बताइए अपने बड़े भैया को क्या कारनामे किए हैं आप। पेपर बदलवाए हैं कि नहीं? हाँ, मैंने पेपर बदलवाए थे। और प्रगति को मारने की सुपारी दी या नहीं? सर, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने पेपर बदलवाए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और आप चाहे मुझे कितना भी मारिए, मैंने किसी का खून नहीं किया और ना मैंने किसी को मारने की सुपारी दी है। और सर देखिए, मैं झूठा इल्ज़ाम कबूल नहीं करूँगा। देखा आपने, आपने मेरे भाई को मारा। अब देखिए क्या होता है। लेके जाइए भैया। आप किसी को फोन करने वाले थे ना? जाइए। अगर इसने अपने भाई के सामने गुनाह कबूला है कि इसने पेपर बदलवाए, लेकिन दूसरी तरफ इसने कहा है कि इसने मर्डर नहीं किया। अगर इसने मर्डर किया होता तो इसको अपने भाई के सामने ये गुनाह कबूल करने की में क्या प्रॉब्लम होनी? और दूसरी बात, सैंडी, चिंटू और प्रताप, ये तीनों साइंस के स्टूडेंट नहीं थे। तीसरी अहम बात जानते हैं नकवी साहब क्या है? चिंटू प्रताप के लिए काम करता था और प्रताप किसी और के लिए काम करता था। इसका मतलब इस पूरे गेम के पीछे कोई और शख्स ही शामिल है, और उसके इशारे पे चिंटू यादव सैंडी और प्रताप पे इल्जाम लगा रहा है। लेकिन जनाब, ये शख्स हो कौन सकता है? ये जो कोई भी हो नकवी साहब, ये जल्द से जल्द हमारी नजरों के सामने होगा। अब एक काम करिए जी, ये प्रगति केस से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी एविडेंस है, हमें अभी चाहिए इस टेबल पे। और उसके बाद आप लोग घर चले जाइएगा, काफी रात हो गई। जी। नहीं तो जनाब, आप पूरी रात यहाँ काम करें और हम आराम करें, ये कहाँ पॉसिबल है। खैर जनाब, ये आपके होम मिनिस्टर साहब ने भेजा है आपके लिए। क्या भेजा? आपकी भाभी जान ने जरा देखे, खुशबू तो अच्छी आ रही। ये खत भी भेजा, अच्छे से खाना खा लेना। कुर्सी लीजिए नकवी साहब, आइए। अरे आइए आइए, बैठिए। भाभी के हाथ का नहीं चखेंगे तो किसके चखेंगे भाई? बिल्कुल जनाब, आइए लीजिए। साहब, ये देखिए, चलिए जयसागर तो सिंसियर आदमी है, हर एग्जाम में मौजूद रहता है, लेकिन पंकज पांडे इतनी महान शख्सियत, लोगों को सरकारियां नौकरी दिलवाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब,
ये देखिए प्रगति जी ने 3-3 एग्जाम दिए हों। ठीक है जनाब, हम अपनी टीम लेके निकलते हैं। लेकिन सर, इतने बड़े ऑफिसर पंकज पांडे जी का इंट्रोगेशन। कविता जी, बात औधे की नहीं है, बात न्याय की है। कानून न्याय पसंद करता। पूरी रात लगी हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचने में। पर सर, कहीं हम पर ये उल्टा ना पड़ जाए। कविता जी, अगर इतना ही डर लग रहा होता ना हमें, तो हम पुलिस की नौकरी कभी नहीं करते। वो भी सरकारी मुलाजिम है और हम भी सरकारी मुलाजिम। आदर सत्कार के साथ बुलाइए इंटरोगेशन के लिए। नमस्कार पंकज पांडे जी। आह, बेहतरीन खुशबू लगाई हुई है। लगता है परफ्यूम के बहुत शौकीन हैं। जी हाँ, परफ्यूम मुझे बहुत पसंद। आपकी बेटी को परफ्यूम का शौक था क्या? फूड इंस्पेक्टर एग्जाम जहाँ पर चल रहा था, उस एग्जामिनेशन सेंटर में आप क्या कर रहे थे? वो मैं ट्रस्टी से मिलने गया था। जरा फोन लगा के पूछिए कविता जी। ओके सर। नहीं सर, उस दिन तो कोई ट्रस्टी नहीं आए थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी यही कह रहा है। नकवी साहब, जरा दिखाइए। सर देखिए एक बार। इनको तो पहचानते होंगे आप, जय सागर। बता सकते हैं इनके साथ कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे याद आया, ये उम्मीद क्लासेस के एमडी हैं। इन्होंने मुझे बुलाया था स्टूडेंट को चेयर करने के लिए। चेयर करने के लिए या फिर प्रगति बिष्ट का मर्डर करने के लिए गए थे आप? क्या ये क्या पूछ रहे हैं आप? आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, इस तरह का सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं, और मैं जा रहा हूं। अरे सर, सर बैठिए। देखिए ऐसा है, हमारी इजाजत के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। बैठिए। आप सब सच सच बताइए। मैं क्या सच बताऊं? और ये प्रगति बिष्ट कौन है? प्रगति बिष्ट वो है जिसके आपने पेपर बदलवाए और फिर आपने प्रगति बिष्ट के घर जाकर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। अरे मैं क्यों जाऊंगा उस गरीब के छोटे से घर में? आपको कैसे मालूम कि उसका घर छोटा था और वो गरीब थी? नकवी साहब। जनाब। रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो सिर्फ पावर है, दिमाग किसी और का है। किसका? जैसा अगर तुम्हारा सारा विज्ञान वहां से आया है। यस प्राजुक्ता जी, मैं लखनऊ पुलिस से SHO क्रांति मिश्रा बोल रहा हूँ। जी बताइए। आपने उम्मीद कोचिंग क्लासेस और एम्प्लॉयमेंट सेल फ्रेंचाइजी के मालिक जयसागर का नाम तो सुना ही होगा। सुना है। उनको अरेस्ट करना है। क्या? ये खबर सुन के हम भी ऐसे ही शॉक हुए थे। दरअसल वो क्या है ना कि आजकल अध्यापक अपने ज्ञान का सौदा करने लग गए। एग्जाम्स में दूसरों को बैठाना, पेपर लीक करना, स्टूडेंट्स के पेपर तक बदलना, और यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के लिए किसी का मर्डर भी कर देते। इन दरिंदों ने सरकारी नौकरी का धंधा बना दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी ये जयसागर ही है। पूरे उत्तर प्रदेश में रैकेट फैला हुआ है प्रोजेक्टर जी, और देश के कई शहरों में भी इसकी जड़ें हैं, और हमें इन जड़ों को उखाड़ फेंकना है। बस इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी मुंबई पुलिस हर तरह की मदद करेगी, वादा करते हैं, बख्शेंगे नहीं उन्हें। थैंक यू प्रजक्ता जी। जय हिंद। जय हिंद। आप जय साहब बहुत दौड़वा दिया, लखनऊ से मुंबई तक। आइए। ये क्या नकवी साहब? ये लखनऊ पुलिस है मुंबई पुलिस के साथ, आपका एडमिशन करवाना है अपनी जेल में। चलिए आइए। मैं और पंकज जी बहुत बड़ा घोटाला चलाते हैं, पेपर्स लीक करना, अनडिजर्विंग कैंडिडेट से पैसे लेकर, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कराकर सरकारी नौकरी दिलवाना। प्रगति भी हमारे लिए एग्जाम्स देती थी। इसीलिए 3-3 आई कार्ड मिले थे प्रगति बिष्ट के पास। वो हमने ब्लैकमेल किया था उसे।
अब हमसे ये सब और नहीं हो पाएगा। अब हम औरों के लिए पेपर नहीं लिखेंगे। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पेपर है ना, अभी इस पे दूसरे का नाम लिख देंगे और तुम हमेशा के लिए फेल। कितना भी पढ़ो एग्जाम में फेल। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे लिए एग्जाम दो, खुश रहो वरना भुगतो। और हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं भुगतोगी, तुम्हारे माँ बाप भी भुगतेंगे। और उसे हमारे लिए एग्जाम लिखने पड़े क्योंकि सरकारी पद के लिए एग्जाम का संचालन मेरे हाथ में था और सरकारी नौकरी दिलाना मेरे हाथ में था, इसलिए हम दोनों ने हाथ मिला के करोड़ों कमाए। और इस पर कोई अगर आवाज़ उठाता तो आवाज़ उठाने के दूसरे दिन उसकी नेचुरल डेथ हो जाती थी। प्रगति के साथ भी यही हुआ, सैंडी से ही पैसे लिए थे पर उसकी जगह जिसको बिठाना था वो आखिरी वक्त में बीमार हो गया, इसलिए उसके आईडी पर वापस सैंडी का फोटो लगाना पड़ा। सैंडी का भाई 1 करोड़ रुपये दे रहा था। प्रगति रिजल्ट के बाद मेरे पास आई थी। जैसा प्रगति, क्या बात है, ऐसे कैसे बिना पूछे अंदर आ गई? सॉरी सर, पर हम नहीं रुकने वाले हैं। सर आपको ये बात जान के यकीन नहीं होगा पर हम एग्जाम्स में फेल हो गए हैं। सर कुछ तो गड़बड़ है, हमें हमारे पेपर्स देखने हैं। पर प्रगति, पेपर तो कोई नहीं देख सकता, तुम एक काम करो रीचेकिंग बिल डाल दो। सर लेकिन उसमें भी पेपर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सर हमें पूरा यकीन है हमारे पेपर्स बदले गए हैं। देखो जो भी हो अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हम पुलिस में जाएंगे, किसी ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। प्रगति ऐसे खिलवाड़ तो होते रहते हैं। ये बात आप कह रहे सर, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पुलिस ही हमारी मदद करेगी। प्लीज मुझे जाने दो। देख, अपने शब्दों में सुसाइड नोट लिख। आप दोनों को ऐसी सजा सुनाई जाए कि उसे देखकर सारे अपराधी कांप उठे। गुरु शिष्य को मार्ग दिखाने वाला समाज में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर वही गुरु कुछ पैसों के लालच में ज्ञान का सौदा कर शिष्यों का भविष्य बर्बाद करे तो यह किसी अपराध से कम नहीं। हम चाहते हैं कि आप अपराध करने वाले और अपराध का साथ देने वाले लोगों से सचेत रहें, सावधान रहें, तभी तो आप और हम मिलकर करेंगे इंडिया को सावधान। सावधान इंडिया, जय हिंद। तू सावधान, तू सावधान।